आज हम बात करेंगे दृष्टि पर। जब भी धर्म की बात आती है तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन इसकी बात आती है। पर आपको पता है दृष्टि का क्या स्वरूप है? एक उदाहरण से ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। घर पर किसी की शादी होती है और जो नई बहू आती है, अथवा कोई भी बहू हो, उसकी जीवन में, उसकी दृष्टि में क्या मुख होता है? पति सर्वस्व होता है उसका। पति इतना सर्वस्व कि वो अपने को ही भुला देती है। उससे पूछो उसका नाम तो मिसेस जैन, मिसेस डॉक्टर, मतलब वो पति के परिचय से ही अपना परिचय देती है। उसका अपना खुद का कोई परिचय ही नहीं होता। सच मायने वो अपना परिचय भुला दे तो सच्ची स्त्री है। और हर बात में मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, पति को गौण कर दे, पति को अलग कर दे, तो वो स्त्री नहीं है। ऐसे ही प्रभु, हम जब भी दृष्टि की बात करते हैं तो किसे कहते हैं दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि? क्या कहलाता है सम्यक दर्शन? अरे जो अपने को भुला दे और त्रिकाली भगवान आत्मा को मुख्य करे। क्या होंगे सम्यक दर्शन के स्वर? मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं त्रिकाली नाथ हूँ। उसके स्वर कभी ये नहीं होंगे मैं सम्यक दर्शन हूँ, मैं दृष्टि हूँ, मैंने आत्मा का आश्रय लिया है। अरे मैं दृष्टि हूँ, मैंने आत्मा का आश्रय लिया है, मैं सम्यक दर्शन हूँ, ये तो मिथ्या दर्शन हो गया। क्योंकि दृष्टि दृष्टि की प्रसिद्धि करे तो मिथ्या दृष्टि, और दृष्टि त्रिकाली की प्रसिद्धि करे तो सम्यक दृष्टि। अब आप सोचो, आप दृष्टि हो या दृष्टा? सम्यक दर्शन करने की चीज नहीं है, होने की चीज है। कैसे होता है कि पर्याय अपने को भूल जाए और त्रिकाली ध्रुव रूप अपने को अनुभव करे, उस रूप अपने को माने, उस रूप अपने को जाने, हो गया सम्यक दर्शन। एक गरीब कन्या को रानी बनना हो तो क्या करे कि राजा का आश्रय ले और अपना अस्तित्व भुला दे, राजा के अस्तित्व को ही अपना अस्तित्व माने, तो राजकुमार वो रानी हो गई। ऐसे इस परिणति को पवित्रता से, परिपूर्णता से पूरा होना है, भगवान बनना है, सम्यक रूप परिणमना है, तो क्या करे अपना अस्तित्व बुला दे और मैं भगवान हूं ऐसे स्वर में गुंजायमान करे। क्योंकि पर्याय दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है और द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। तो जिस पर्याय ने अपना अस्तित्व नहीं बुलाया वो पर्याय कभी सम्यक दर्शन रूप नहीं परिणम सकती, और जिस पर्याय ने अपने अस्तित्व को ही मुख्य किया वो तो मिथ्यात् रूप परिणमनी ही है। इसलिए दृष्टि ठीक करने का उपाय दृष्टि ठीक करना नहीं है, दृष्टि को भूल कर दृष्टा मानकर मस्त रहना है, अपने को परिपूर्ण मानना है। पर्याय पर्याय की तरफ देखे या पूर्णता, पर्याय पर्याय की तरफ न देख कर त्रिकाली की तरफ देखे या पूर्णता। और पूर्णता का लक्ष्य ही परिपूर्णता दिलाता है। चाहे पर्याय में परिपूर्णता प्रकट करने की बात हो या त्रिकाली द्रव्य को पूर्ण देखने की बात हो। इसलिए पर्याय की निर्मलता अर्थात पर्याय को भूलना और पर्याय की निर्मलता अर्थात मैं द्रव्य हूँ ऐसा स्वीकारना। पर्याय को पर्याय की याद आई तो फेल, पर्याय को द्रव्य की याद आई तो पास, ये भी कहा जाता है। खरे घर तो पर्याय अपने को भूल ही जाती है और मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, इस रूप ही अपने को अनुभवती है, वेदन करती है, जानती है, मानती है। इसलिए आइए अपनी दृष्टि सम्यक करें अर्थात दृष्टि पर दिमाग लगाना बंद करें और दृष्टा रूप अपने को माने, तो दृष्टि अपने आप निर्मल हो जाएगी। यही सम्यक दर्शन का सरलतम उपाय है, बाकी सब उपाय झूठे हैं। विचारना भाई।